की सेवा करो, माँ की आरती उतारो। माँ ही भगवान है। आजकल बच्चों ने अपने माँ बाप का जितना सम्मान करना चाहिए उतना सम्मान नहीं करते। माँ बाप के हिस्से का सम्मान, माँ बाप के हिस्से का आदर माँ बाप को मिल ही नहीं रहा है। बड़ी विडंबना है। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। ओ मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। आज हम जो कुछ हैं बताइए, माँ बाप ने जन्म ना दिया होता, पाल पोस कर बड़ा ना किया होता, हमारी माँ हमें बताती है कि जब हमारा जन्म हुआ था तब हम बिल्कुल ऐसे दुबले पतले थे, सब लोग कह रहे थे कि ये बच्चा तो अब आया है, बस दो चार दिन में ही चला जाएगा। जब हम पैदा हुए थे ना तो बहुत कमजोर थे, सारे लोग बोलते थे कि ये रहेगा नहीं, पर हमारी माँ बोलती थी कि नहीं नहीं हमारा बेटा रहेगा। और देखो दुनिया जिसे कमजोर कह करके शायद उसके जीने की उम्मीद ना करे, पर माँ एक ऐसी होती है जो सदा अपने बच्चे की लंबी आयु की कामना करती है, और जो बनता है माँ सब कुछ करती है। बच्चों के लिए माँ किससे नहीं लड़ जाती, बच्चे ही माँ की दौलत है। इसलिए यदि माँ अपने बच्चों को अपनी दौलत मानती है तो बच्चों का भी धर्म है कि वो अपने माँ बाप को अपनी दौलत माने। हमारे माँ बाप हमारी संपत्ति है। इसलिए कोई आपसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, तो कोई आपने पिक्चरों के डायलॉग आपने सुने होंगे, मेरे पास गाड़ी बंगला तेरे पास क्या, तो जब ये दास अनिरुद्ध से कोई पूछता है तुम्हारे पास क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरे पास 275 माताओं का आशीर्वाद है और लाखों माएँ जो घर में बैठकर कथाएं सुनती हैं और ये दास अनिरुद्ध को अपना आशीर्वाद देती हैं। तो माँ है तो आप अमीर हो, कहो कि आप अमीर हैं, और माँ नहीं आपके पास तो आप सबसे गरीब हैं। कागज के टुकड़े बहुत जोड़ लो साहब, क्या फर्क पड़ता है।